तो माशाल्लाह अभी जो है ना भैंसों बांधने का जो है ना टाइम वो हो चुका है जी। तो मैंने जो है ना वो अपनी भैंसें बांध दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो मेरे बहन भाई परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक के साथ आज के लोग आगाज़ करते हैं। तो 4:32 हो चुके हैं। तो अभी जो है ना भैंसे वो हमने लिए जी बांध, चारा वगैरह जो है काट रखे हमने, वो हम लोग जो है काट के रख जाते हैं। हम जो है स्कूल से आके जो है उन्हें चारा वो डाल देते हैं। तो अभी जो है चारा हमने उन्हें दिया है, डाल बांध दिया मैंने भैंसों को। गाँव वाले जो बाकी लोग हैं उन लोगों ने भी बांध दिए। आंटी जो है ना अभी चारा काट के लेके जा रही थी। तो अभी जो है ना माशाल्लाह, तो अम्मी लोग जो है ना वो गए हुए हैं जी दिहाड़ी पे। अम्मी और दानिश भाई दोनों जैसे भी पहले जाते हैं ना, तो जो उसकी पटाई है ना वो तो हो चुकी है ख़त्म। अब जो है ना भरे जाते हैं ना आलू, वो हम बोलते हैं भाई दड़े भरने के लिए, जो दड़े भरे जाते हैं ना उस झाड़ी पे अम्मी लोग जाते हैं, अम्मी और दानिश भाई जो है ना दोनों। तो अभी जो है ना मैंने भैंसों का तो कर लिया, अभी करना है जी घर का काम। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं कि घर के काम में हमारा जो है ना कौन सा काम पड़ा। बस काम तो हमारे सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने लिपाई वगैरह तो की नहीं। आपको पता है ईद करीब आ गया, आज जो है आज का दिन तो गुजरा खड़ा, बस आधा गुजर गया और आधा जो है वो बाकी है, 2-3 घंटे वो भी गुजर ही जाने। तो बाकी जाना ईद के 7 दिन पड़े हुए हैं, तो हमने जो है ना सफाई वो नहीं की, बस सफाई ही शुरू करते हैं। कैसे घर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, लिपाई करेंगे ईद के 2-3 दिन पहले। बस तो अभी जो है ना माशाल्लाह मैं कर रही हूँ जी सरसों साफ, फिर जो है ना कोई खाना पकाना भी करेंगे। पहले जाने की हमारी सरसों काफ़ी दिन से ही जो है ना पड़ी हुई थी, अम्मी जब भी आती थी ना आके लड़ाई करती थी कि आपने जो है ना इसको सफाई नहीं की। एक तो इसका जो बीज होता है ना वो बहुत छोटा होता है, हाथ में जाना जल्दी नहीं आता। और बीज जो है ना इसका हमने लिया जी निकाल, और इसकी जो लकड़ी है ना वो हमने यहाँ पे रखनी है, क्योंकि बिल्कुल खुश्क थी ना तो हमारे पास लकड़ी थी नहीं, तो चूल्हे में ना सही तंदूर में जो है ना ये काम आती है। और यहाँ पे बकरी को जो है ना चारा पान छानी पिला के चारा इन्हें भी मैंने जो है ना डाल दिया है। सुबह टाइम मैंने जो है ना जगह साफ की थी, लेकिन अब फिर ख़राब हुई पड़ी नीचे से। तो हमारे बर्तन है ना वो सारे भाई पहले से हमें जाना पता नहीं चला, जब 2-3 दिन बराते जाना वो हमने भाई साफ कर ली थी, तभी हमने उधर देखा और सारे जाने बर्तन खराब हो पड़े। इन्हें जाना फिर दोबारा धो लेंगे, ये जाना फिलहाल इसे साफ करते जाना रख ले। ये होता है जी सरसों का बीज, जो दोबारा भी कष्ट किया जाता है, इसका तेल भी निकाला जाता है, और ये महंगी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी जो है ना माशाल्लाह हम बना रहे हैं जी आज कद्दू का सालन। कल जो है ना कल की तैयारी में हमने बनाया था भाई आलू छोले वाला पुलाव, तो आज जो है ना हम बना रहे हैं जी कद्दू। कद्दू जब से आया है ना तो हम जो है पहली बार ही बना रहे हैं, पहले जो है ना नहीं बना, जब से सुने ये आए भी अभी अभी हैं गर्मियों में। जाना ये भिंडी और कद्दू हमारा जो है ना कुछ स्पेशल ही होता है, हमें जो है पूरी फैमिली को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है, सब फैमिली जो है शौक से खाती है। तो माशाल्लाह फाइनली जो है ना आग वो मैंने लिए जी जला, और अभी मैं डालने लगी हूँ जी घी सब्जी वगैरह जो है ना धो के, सब्जी जो है ना वो धो के मैं आ चुकी हूँ। और कभी कभार जो है ना आग जलती नहीं, और कभी जल जाए ना तो फिर तंग बहुत ज़्यादा करती है।
और अभी मैंने घी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और अच्छी तरह से जाना घी वो गर्म हो ले फिर अब जाना फिर मसाला डालेंगे। तो अभी है ना माशाल्लाह यहाँ पे मैंने पानी और परात जो है वो भी धो के रख ली है क्योंकि अभी मैंने हर चीज़ जो है ना सब्जी इसके अंदर डाल के फिर साथ बैठ के आटा गूंदा है ना। अभी हमारा चारा जो है ना अभी वो हमारा काटे वाला पड़ा हुआ है और ऊपर जो है ना देखिए परिंदे जा रहे हैं चले के रखते हुए चले गए। तो चारा जो है ना वो अभी हमने जाके जी काटना सालन बना के मैं आटा गूंद के रख लूँगी फिर जाके जो है ना चारा काटूंगी। अभी जो है ना मिसाला घी मेरा गर्म हो चुका है उसमें मैंने जो है ना टमाटर मिर्च प्याज वगैरह हर चीज़ जो है ना वो दी है जी दाल अभी मैंने इसमें डालने हैं जी। आज जो है ना हमारे घर में मिर्चें वगैरह जो है ना वो नहीं थी और मैं अभी गई हूँ और दुकान से जो है ना देख के जो है ना माशाल्लाह मैं मेरा मिसाला जो है ना वो हो चुका है जी तैयार और मेरे आंसू जो है ना वो भी टपक रहे हैं। देखते मेरी आँखें पानी हो गया उड़ा अगर मैं चूल्हे पे बैठी रही मेरी आंखों का पानी ज़्यादा ख़त्म हो जाए अगर हमारी कोई अल्लाह ने करे कोई फौती हो जाए वो तो कहेंगे ये तो रोती भी नहीं है कहीं होता है ना कि औरतों को जो है ना आँखों का पानी ख़त्म हो जाता है। और अभी जो है ना मैं डालने लगी हूँ जी कद्दू मसाला मेरा होकर तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह अभी जो है ना कद्दू इस पर मैंने दिया जी डाल और अभी मैं इस पर देखती हूँ प्लेट ये खुद जो है ना मसाला इसमें मिक्स होता रहेगा हिला तो मैंने दिया ये जो है ना पानी थोड़ा बहुत छोड़ते रहे फिर जो है ना इधर तक मैं आटा निकाल के आती हूँ आटा कुछ भून लेती हूँ और फिर जो है ना साथ साथ इसे भी देखती रहूँगी। तो अभी जो है ना माशाल्लाह मैं गूंद रही हूँ जी आटा वहाँ पर जो है ना सालन आपको बताया भी मैंने सब्जी वगैरह जो है ना डाल के भाई सब कुछ मिक्स करके भी इसके अंदर जो है डाल दिया हिला भी दिया और अभी मैं गूंदी आटा में आटा जो है ना अभी निकाल के आई हूँ और मैंने कहा जो है ना साथ जल्दी जल्दी आटा भी गूंदे आटा बस थोड़ा सा ही गूंदे हमारा जो है ना आटा सुबह टाइम वाला पड़ा हुआ है। अभी जो है ना माशाल्लाह आटा मैंने लिया जी गूंद फिलहाल यही जो है ना हर चीज़ यहीं पर रखते हैं। अभी मैंने जो है ना सालन को जो है ना देखना है पूछे ना कहीं नीचे से लगा भी ना पड़ो नहीं लगा इसमें मैंने कोई पानी शानी जो है ना नहीं डाला खुद बेसन जो है ना घी डाला था ना जब ये मिक्स हो जाता है सारा तो कुछ अपना पानी भी छोड़ता है और कुछ जो है ना घी वो मिक्स होता है। आटा मैंने लिया गूंद और अभी उसमें मैं देती हूँ कंदूरी मक्खी जो है आपको पता बहुत ज़्यादा जरूरी पत्ती है इसी बकरी को पानी पिलाएंगे और फिर गर्म हो जाए तो जो है ना पानी वो मैंने दिया जी पिला अभी मैं देख का अपने अनुसार फिलहाल लेके से धो के आ चुकी हूँ। तो अभी जो है ना साथ भी आटा गूंद के सालन जो है ना वो भी मैंने मेरा भी तैयार हो चुका है बस जामा श्री बना के ना फिर मैं उसे जो है ना उतार के रख लूँगी। और आज जो है ना हम तैयारी में बना रहे हैं जी जामा श्री वाला दूध तो ये वाला ये जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनता है। अभी जो है ना हमने इसमें सिर्फ चीनी खोली है अभी मैं डालने लगी पानी बर्फ पहले डाली है और पानी जो है ना अभी ही डालना है।
वो हमारा हो चुका है मुकम्मल। और हमारी जो है ना बर्फ़ वो थोड़ी कम है, बर्फ़ बहुत डाल दी मैंने। और अभी आपको बताया रोज़े का जो है बाकी घंटा तो नहीं पता, अब घंटा तो नहीं पड़ा पर बस कुछ मिनट ही पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने जो है ना जल्दी जल्दी पानी बना के रख दिया। और अभी जो है ना मैं इसे ढक के रख देती हूँ। तो जामा चीनी जो है ना वो हमारा बन के हो चुका है जी तैयार। और अभी जो है ना सालन वो भी तैयार हो चुका है, उससे भी जो है ना उतार लेते हैं। और भी अल्लाह का करम हुआ है, अभी मेरा सालन जो है ना नीचे नीचे जो है ना नहीं लगा, थोड़ा सा उठ के मेरे पाँव पे घी जो है ना गया है तेरा पता ना इसीलिए। तो अभी जो है ना मैं इसे उतार लेती हूँ इस चूल्हे पे, क्योंकि उस चूल्हे पर रोटियां तैयार करनी। अभी जो है ना मैं रखती हूँ जी सारा पे रखते हैं छबी वगैरह फ्लिकर वगैरह मैं भी लेके आती हूँ। तो अभी जाना माशाल्लाह सालन हमारा बन के आपको पता हर चीज़ बाकी हमारी तैयार हो चुकी है। अभी अपना रहे जी रोटियाँ हर चीज़ जो है ना वो मैंने रख ली है, तवा जो है वो भी ऊपर रखी है, आग जो है ना नीचे थापियाँ और दो रखी है बाकी जो है आग वो भी जला रहे हैं। और जो है ना हमारा पड़ा हुआ था फ्रिज में थोड़ा सख्त हुआ पड़ा, I'm going to get it.